हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल पे इंग्लिश कॉन्सेप्ट बाई कमलेश सर पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम पे इतना भरोसा दिलाया, इसके लिए थैंक यू। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 मस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन ईडर के क्वेश्चन, क्योंकि हमारे कई सारे सब्सक्राइबर कह रहे सर TGT PGT SSC टाइप इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए जो कॉमन ईडर पे हो, जो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इसमें टॉप 10 का पार्ट 1 लाया हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको पार्ट 2 इसी पर आधारित लेके आऊँगा। आइए हम अपने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन ईडर पर बात करते हैं। तो हमारा पहला जो कॉमन ईडर है, आप इसको हमारे कॉमेंट बॉक्स में अगर पढ़ लिए हैं तो इसका आंसर आप हमें बताएँ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर कमेंट बॉक्स में पर बता देंगे तो इजी टू हार्ड हम लोग चलेंगे। पहले हमारे कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे, फिर हार्डर एंड हार्डर होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, देयर आर नो पोएट्री इन माई बुक, नो ईरर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार ये पूछा गया एग्जाम में। आप इसको हमारे कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट, बिल्कुल सही, कई लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल। चलिए जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है, पार्ट 1 है कि 2 है कि 3 या नो ईरर। चलिए हम देखते हैं, इसमें दे आर नो पोएट्रीज, यानी इसमें ऑप्शन 2, जो पोएट्री होती है, सीनरी होती है, फर्नीचर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। इसको प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे। इसका जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका क्या आंसर होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, नो ईरर। यानी ऑप्शन 1 में गलती है कि ऑप्शन 2 में गलती है कि ऑप्शन 3 में गलती है, जल्दी आप लोग बताइए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में करें। हाँ चलिए मैं बताता हूँ, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टोन। स्टोन ही सही, स्टोन्स नहीं होता, यानी ऑप्शन 3 हमारा गलत आंसर है। स्टोन इसमें सही आंसर होगा, स्टोन्स नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि स्टोन्स नहीं होता, स्टोन ही होता है। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये हमारे कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हमारे एग्जाम में कॉमन ईयर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो TGT हो PGT हो। तब अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शन 1 होगा कि ऑप्शन 2 होगा कि ऑप्शन 3 या नो ईयर, क्या लगाएं। जैसा कि बहुत लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, इसमें लाइक नहीं होगा, क्योंकि लाइक हमेशा अपने मेन फॉर्म में नहीं होगी, ये अपने पहले सब्जेक्ट एज वेल एज पहले ही के अनुसार लगे, यानी लाइक्स हमारा हो जाएगा। जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज आइदर और अलॉन्ग विथ से जुड़े रहें तो वो अपने पहले के अनुसार सब वर्ब कंटेंट करती हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी लाइक की जगह लाइक्स का प्रयोग करेंगे, ठीक। समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, नो ईरर। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए किस में गलती है। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, नो ईरर। देखिए अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, वेरी सून आई रियलाइज्ड, यानी क्रिया का सेकेंड रूप हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस में बात कही गई है। अगर ये पास्ट टेंस में बात कही गई तो जो हमारी अगली सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगी वो भी पास्ट टेंस में होगी, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ गलती ऑप्शन नंबर 3, ही इज एट फॉल्ट की जगह ही वाज एट फॉल्ट होगा, तो बिल्कुल सही, इज की जगह हम वाज लगा देंगे, ठीक। ठीक आप लोग सही जा रहे हैं, इज की जगह हम वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, ओके ओके। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस नो ईरर। देखिए संतोष क्या प्रोफेसेस करते हैं, क्या कबूल करते हैं। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस, अगर आपको समझ में आया, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में हमारे कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सा ईरर दिया गया, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल नहीं होता, इसका प्रिंसिपल्स होता है। प्रिंसिपल मतलब हो जाएगा अपना प्रधानाध्यापक, यहाँ पे एक जगह ई हो जाएगा, प्रिंसिपल्स एंड PLES के जगह यही यहाँ पे प्रयोग करेंगे, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत वाला प्रिंसिपल यहाँ पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा
गलत है, ऑप्शन नंबर दो को हम यहाँ पे ईरर बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो देखिए आप इसमें समझ जाएंगे, इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम इन 1947, नो ईरर। चलिए बताइए फटाफट कि ऑप्शन वन गलती है कि दो गलती है कि थ्री की नो ईरर। जी बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, जैसा कि वाक्य पूरा पास्ट में दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इंडिया हैज गॉट यानी ऑप्शन नंबर ए में गलती, यहाँ केवल हैज हट जाएगा, गॉट केवल प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट में जब बात कही जाती है तो पास्ट में ही हम बात को कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में इंडिया हैड गॉट के जगह केवल गॉट, यानी हमारा सही उत्तर एक हो जाएगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेवन, हमारा क्वेश्चन सेवन क्या कह रहा है, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज़ प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल, नो ईरर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग को बताना इस क्वेश्चन का कि क्या सही उत्तर होगा। ध्यान से एक बार और पढ़िए, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज़ प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो देन है मोर देन का प्रयोग है, मच देन का नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीन सही आंसर हो जाएगा, यानी मच के जगह हम प्रयोग करेंगे मोर का, मोर देन। ओके समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन फटाफट दबाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्या है इसको सब लोग बताएंगे, आप लोग बताइए 10 में कितने आप लोग के सही हो रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एट हमारा, सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन सिंस 2004, ठीक, इसमें आप लोग को सही आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। चलिए कि ऑप्शन एक गलती है कि दो गलती है कि तीन कि चार कि नो ईरर है। इस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल सिंस का प्रयोग हुआ है, जब भी किसी वाक्य में सिंस का प्रयोग हो तो समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, तो इसमें ईच की जगह हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक, ईच की जगह हैज़ बीन का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर वन हमारा गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर वन हमारा इसमें सही हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे हम चलते हैं, लेके क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा क्या कह रहा है, आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प कैन आई। क्वेश्चन नंबर अगर आई की बात करें तो ये समझ जाइए, आई कैन डिपेंड अपॉन यू हेल्प कैन आई, इसने समझ जाइए कि अगर पहली क्रिया में अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो दूसरी नेगेटिव में होगी, यानी यहाँ पे कैन अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो कांट आई होगा यहाँ पे, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी ऑप्शन नंबर थ्री को हम लगाएंगे कांट आई, ठीक, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, या क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन था, बिल्कुल सही, क्वेश्चन टैग में जब एक क्रिया पॉजिटिव में होती है दूसरी नेगेटिव, और जब दूसरी नेगेटिव तो पहली पॉजिटिव में, ठीक, तो यहाँ पे कांट आई हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। अगर ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, पार्ट टू भी आपको चाहिए तो कमेंट में फटाफट बताइए। हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। अरे कंप्यूटर महाराज फटाफट आप लाइए क्वेश्चन नंबर 10, हमारा कंप्यूटर नंबर 10 आपके सामने है। आई एम टायर्ड सो आई विल ले डाउन एंड टेक रेस्ट। इस चीज़ को आप लोग कॉमन, बहुत सी कॉमन सी मिस्टेक की गई है, अगर आप लोग पकड़ पा रहे हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन क्या है। इस चीज़ को अगर देखेंगे, आई एम टायर्ड सो आई विल ले डाउन एंड टेक रेस्ट, इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर दो गलती है। ले माने होता है बिछाना, जबकि यहाँ पे होगा लाई, ले की जगह हम लाई का प्रयोग करेंगे, लाई सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लाई यानी ऑप्शन नंबर दो हमारा सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो, ले की जगह लाई का प्रयोग करेंगे। ये हमारे टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोगों ने बात की। अगर आपको इसी सेशन से जुड़ना है, क्योंकि हम सीरीज में लाएंगे पार्ट वन पार्ट टू 10, यानी पार्ट 10 तक जाएंगे, जिसमें सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए कॉमन एरर पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि कोई वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपके यहाँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।